सोच लो, नानक पूजे विद गुरमत, हर राम नाम लिब लाया, लिब तो ना लगी, सोचो बना क्या। सारे नु रटते रहे, कुछ अंदर जाने की तो ना की, किसी ने माला पकड़ ली, किसी ने कुछ कर लिया, कुछ कर लिया, बस ऐसे बातें भी करते जाते हैं, बस देख लो हाल देखा। चीज अंदर है, अंदर अभ्यास करे फिर चीज आएगी, फिर रस आएगा। कोई बोले राम राम, कोई खुदा आगे क्या कहते हैं, हाँ। लफ्ज तो बदलते रहे और बदलते रहेंगे, ये लफ्जों पे नहीं। अगर फकीर को 30 है, उसका बता एक लफ्ज है, दो है, चार है, इसका सवाल नहीं, वो काम करेगा। अगर 30 नहीं, दो लफ्ज तो रेके बता देता है, दो लफ्जों का क्या है, उसका नाम भी दर्ज हो आगे। जैसे हम भर्ती करते आते हैं, भर्ती करने आते हैं अफसर, ऐसे अंदर भी ऐसे ही है, हाँ। काल के फकीर भी आते हैं, सदगुरु के भी आते हैं, हाँ। ये भर्ती पे है, लफ्जों पे नहीं, हाँ। मौका देखते हैं भी कैसे चलाना काम। बादशाह कोई नई बादशाह ही है, वो अपना हुक्म चलाएगा अपने हिसाब से, इसे संत भी मौके पर के बादशाह हैं, वो अपना चलाते हैं, हाँ हाँ जी। उन्हें तो किस हिसाब से लेकर जाना है, हाँ जी। जीव भया संसारी, छुटे ना ग्रंथ ना होए सुखारी, सुरती प्राण सबके हो पाए, छुटे ना धिक धिक और जाए। पढ़ने पढ़ने में रह गए, जो पाए बताए वो किसी ने किए ही ना। रत्न रत्न पदार्थ बहुत सागर पर है राम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़े राम। बाणी तो ही भारत का समुद्र है, इसको विचार के जो हुक्म करती है उसके साथ से चले, फिर अंदर अंदर वाली वाणी को पकड़े, फिर चढ़, फिर मिले कैसे, सोच लो। हाँ जी, कोई पढ़े बे नाटक में, हाँ। किसी ने कुछ बना लिया, कुछ ने बना लिया, हाँ। फिर विचित्र नाटक में लोगों को हिदायत करते हैं, ऊपर लग पढ़ दे, चलो, हाँ। जितने बड़े बड़े सच्चे ज्ञानी और महात्मा हुए हैं, सब ने इन पाखंडियों की असलियत को जाना, परंतु प्रगट न किया और उनका पर्दा न उठाया। परंतु अब हम साफ तौर से कहते हैं
कि ऐसे दिखावे के कामों में भूलकर भी मन को न लगाओ, इनसे मालिक नहीं मिलता। फिर विचित्र नाटक में लोगों को हिदायत करते हैं कि ऐ लोगों, यह बात अच्छी तरह समझ लो कि जो लोग शरीर पर बनावटी भेष धारते हैं ऐसे पाखंडियों को मालिक नहीं मिलता। जो लोग पाखंड रचाते हैं उनको परलोक में मुक्ति नहीं मिलती। इसमें कोई शक नहीं कि इस दुनिया में उनकी जिंदगी के दिन अच्छे गुजर जाते हैं, क्योंकि उनके बाहर मुखी स्वांग को देखकर बड़े बड़े राजा महाराजा भी उन्हें पूजने लग जाते हैं। इन स्वांगों से परमेश्वर नहीं मिलता, चाहे कोई कहीं खोजता फिरे। जिन लोगों ने अपने मन को काबू में किया है उन्होंने ही सच्चे सदगुरु पारब्रह्म को जाना है। जे जे पेक सो तन में तारे, ते प्रभ जन कछु के ने विचारे। समझ लेओ सब जनमन माही, डिम्बन में परमेश्वर नाही। जे जे कर्म कर डिम्ब दिखाई, तिन पर लोगन मेंगत नाही। जीवत चलक जगत के काजा, स्वांगन देख कर पूजत राजा। स्वांगन में परमेश्वर नाही, खोज पिरे सभी को जाही। अपनो मन कर मैं जी आना, पार ब्रह्म को तिनी पछाना। है, है, हाँ जी, मन को काबू करना था। हाँ, हाँ जी, हाँ। कोई पाढ़े कोई काहे देते हैं क्या? हुक्म पछाता कहो नानक जी ने, हुक्म पछाता प्रभ साहेब का, तीन भेद जाता, तीन भेद जाता। जिस हुक्म से दुनिया बनी है, हुक्म होना कार, हुक्म क्या जाई, हुक्म जिया, हुक्म ले बढ़ियाई, हुक्म तो नीच, हुक्म ले जिस हुक्म ने बनाया है उसको जानना, ये असली भक्ति है। हुक्म कब जार होता है? जब बोले शब्द, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द प्रकाश। शब्द की लहर को कहते नाम, नाम के धारे सगले जान, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, रोम रोम रवे हर नाम। उस नाम को प्रकट करना ये असली भक्ति है, ये शांति देने वाली है, जनमन के बंधन छुड़ाने वाली है। हाँ, नाम इसके अंदर है, लफ्ज नहीं। सोचो नाम ने तो अमृत, प्रभ का नाम देही में उसका विश्राम, काया नगरी में चढ़े जोगी तना पले पाई। सोचो वो इसके अंदर है। गुनान साहब मिठन कोट गए, बामिया मिठा फकीर था, वो करमी दर मिठा। गुनान साहब ने फरमाया, मियाँ मिठा सच्चे नाम के पलट किए हुए छुटकारा नहीं, मुक्ति नहीं। कहते सच्चे नाम क्या चीज़ है? सच्चा नाम एक मौलिक वास्तु है जो कहने सुनने से परे है, फिर भी कुछ तो बताओ। बताने की चीज़ ही नहीं, अनुभव की चीज़ है, फिर कैसे पता चले? एक तरफ ले गए, कहने सुन तुम्हें कुछ सुनाई देता है कि जी नहीं। कर्मों धर्म से हृदय साफ हो जाता है, हृदय कुछ साफ था, जरा तवज्जो दी तो कहने लगा, मुझे ऐसे लगता है मेरे रोम रोम में नाम की लहरें चल रही हैं। रोम रोम रवे हर नाम, सदगुरु पूरे कीनो दान, वो नाम है जरे जरे में है, उसको प्रकट करना ही इसलिए भक्ति है। हाँ हाँ जी, कहो ना in
ध्यानो पढ़ने पढ़ाने का मुद्दा नाम को प्रकट करना, पढ़ना गुणा के नाम बुझे को विचारी, और कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नाम में कुछ नहीं, पढ़ पढ़ो अखबार। हाँ हाँ जी हाँ प्रसाद भी लिया। चलो बोलो हाँ देख प्रसाद बोलिया करो हमें मानो तुमने कायदा समझाया। हाँ चलो बोलो आपको बोलो हैं कोई बोले तू बोल कोई बोले चाह बल गुरचरण देख के बोलो आशा बोले मैं ना भंडारा के मतलब भी लेना है हाय हाय Thank you.
राम क्या है, जिंदा राम है क्या चीज है? हम तो आने थे, बागड़ का प्रोग्राम था, उनसे पूछा कि जब एक दूसरे से मिलते हैं क्या कहते हो, वो कहते हैं कि हम कहते हैं जय राम जी की, तुम कहा करो जय जिंदा राम जी की। वो पूछे जिंदा राम क्या, राम आ गया, कृष्ण आ गया और गए, वो जिंदा तक तुम्हारे अंदर है, वो असली राम है। वो असली गुरु है, गुना सब कंधार गए। ये जन्म साखी में लेकिन है फारसी के लफ्जों में। यार अली फकीर मिला, उसने पूछा पीरे शुमा कदम बस आपका गुरु कौन है? तो गुरु नानक साहब ने फरमाया पीरे मत जिंदा पीर है, मेरा गुरु जिंदा गुरु है। कि जिंदा गुरु के हाँ, कि मुझे तो जिंदा पेतकार नहीं, क्यों कि जो पैदा हुआ उसने जरूर मरना है। तो गुरु नानक साहब ने फरमाया या खुदा पीर के दैन जिंदा कुल आलमगीर दोस्त, ये खुदा ही गुरु है जो हमेशा जिंदा है, सारा उसका मरीद है। जुज खुदा पीरे दिगर कदम, खुदा के अलावा और कौन गुरु हो सकता है? सदगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ विनाशी पुरखा सब मेरे समाए। लेकिन जब तक वो देह में ना आए हमें समझावे कौन? ये आला है, डॉक्टर सबके अंदर है लेकिन वो इलाज तो नहीं करती, जिसके अंदर प्रगटा वो करता है काम। इसी तरह ही है, उनके जरिए सीखा जाता है। सोच लो फिर देह को पकड़ के बैठ जाते हैं, ये ठीक है देह से प्यार करना पड़ता है। जितना प्यार होगा मास्टर से उतनी विद्या आएगी। मान दे क्यों छुट्टी बिन प्यार, गुरमुख खत्तर राव रहा बख्शे पक्ष भंडार, ये भी है। लेकिन देह तो चीज नहीं, जो उनके अंदर ताकत है वो है गुरु की है। देह को सतगुरु चीना ना है, भाव सागर की धार में फिक्र गोता है, इसी दुनिया धोखे में रह जाती है। हाँ चलो विद्य हो। हाँ हाँ बोल। हाँ तेरी तो दर पर गरीबों की लाज गए, तेरी तो दर पर गरीबों की लाज, कोई जावस्ता ना जिंदारा, कोई हाजर नाजर जिंदारा। तर प्रोग्राम बोल ले फिर आई। हाँ बोल बोल जल्दी कर, नाम कल सुबह देंगे। दल दल सतगुरु तेरा यात्रा। हाँ है पार्टी, चलो भाई पार्टी फिर क्यों करोगे, तो प्रसाद से बात करो, ये फिर उठन लग जानी दुनिया। दल दल सतगुरु तेरा यात्रा, सात संगत इसी तरह प्रेम पूर्वक बैठी रहे, अब प्रसाद दिया जाएगा, प्रसाद के बाद ये बगड़े वाले आए हुए हैं, तो आप सब इसी तरह बैठे रहे, जब प्रसाद सबको मिल जाएगा उसके बाद ये थोड़ा आपका मनोरंजन करेंगे। आज ये प्रोग्राम है 21 तारीख को, इसी महीने की 21 तारीख को दिन में नई अनाज मंडी सिरसा में सत्संग होगा, और आगे जो महीने वाला सत्संग है वो 3 और 4 सितंबर को यहीं इसी आश्रम में होगा। जिला शहर में निशानी के सत्संग है, वो छुपवा रहे हैं अलग ही, वैसे तो किताबों में आया है, वो फ्री बांटेंगे, पता लग जाए दुनिया को असली चीज क्या है। पढ़ने को वक्त ही नहीं किसी को, छोटा सा है वे शायद पढ़ने लग जाए, पता लग जाए गुरु क्या है, क्या है कैसे मुक्ति है, कैसे फंसे हैं, है छोटा सा ही। निगराने में बोला था, बड़ा था पहले जो डेरा बनाए। हाँ जिन प्रेमियों ने खुशी से नामदान लेना है उन्हें कल सुबह नामदान दिया जाएगा, और जिन सेवादारों ने कल मैं शाम देखी जाऊँ, 2 मिनट हूँ ला दे थोड़ा जा फिर शाम को करांगे भाई बस। हाँ चलो, जिन सेवादारों ने भंडारे पर सेवा की है उन सेवादारों को ही कल प्रसाद दिया जाएगा, और जो पंडाल के सेवादार है सत्संग की समाप्ति के बाद या भक्ता और लाल जी से मिलकर अपने बैज वगैरह जो है वो देके जाएं।
धन धन सतगुरु तेरा यासरा, सभी इसी तरह शांतिपूर्वक बैठी रहे शासन। अतीन जब बोल दिया अच्छा बाबा तीन चार लोग बोल सुनो भाई, दर का भी सवाल सुन लो, वो दर अंदर है, ये जो बाहर है ये सुकून है समझाने के लिए, असली दर अंदर है। कहते चरण धूड़, वो धूड़ अंदर असली, असली धूड़ अंदर है, इसको भी नमस्कार है, कुछ ना कुछ शांति तो होती है थोड़ी बहुत जगह में, लेकिन असली अंदर है। छिन छिन सुर समार लार देख के रहो, तू सब ने लिखा है, तन मन दर्पण मान सास से गाओ, मिनट मिनट पे स्किन स्किन पे ख्याल को आंखों पीछे इकट्ठा करके स्मरण करो, तन का प्यार छोड़ो, विश्वकर्म ख्याल निकालो, लगन लगे लख पार सारता पाया, जब पूरी लगन से स्मरण किया तो सार वस्तु आ गई कौन सी, अरे हाँ तुलसी संत चरण की धूड़, नूर दर्शाया, वहां का जो नूर है वो असली धूड़ है, हम थे गंगानगर, रात को मजलिस हुई चक में, एक प्रेमी न्यायी आया था, हरमिंदर सिंह मैठिन के गांव का था, वैसे संगरी रहता था, बाद में जब मुसाजी उठे 2 बजे तो पीछे से मिट्टी उठाई, मुसाजी ऐसे देख के कहने लगे क्या करता है, कह जी चरण धूल ले रहा हूं, कि ये धूल क्या करेगी, तेरे सामने खड़े हैं तो वो पूछे कोई रास्ता अपना, फिर धूल है सोचो, बस ये धूल में रह गई सारी दुनिया, इसी धूल में रह गई, वो भी खत्म हो जाती है बाद में, कैसे, पढ़ भाई हाँ सुनो, भगवान विष्णु ने राजा बलि से पूछा कि तुम सज्जनों के साथ नरक में जाना पसंद करोगे या दुर्जनों के साथ स्वर्ग में, उसने तत्काल उत्तर दिया कि सज्जनों के साथ नरक में जाना पसंद करूंगा, पूछा क्यों, तो जवाब दिया कि जहां सज्जन है वहीं स्वर्ग है और जहां दुर्जन है वहीं नरक है, दुर्जन स्वर्ग को भी नरक बनाकर छोड़ते हैं और सज्जन नरक को भी स्वर्ग बना देते हैं, सज्जन जहां भी जाएंगे वहां पर ही स्वर्ग बन जाएगा, यही वजह है कि कितने ही धर्म स्थान जो किसी मौके पर स्वर्ग बने हुए थे आज नरक की तरह बने पड़े हैं, वहां प्रेम भक्ति और नम्रता जैसे गुणों के स्थान पर अब ईर्ष्या द्वेष तथा वैर विरोध के अड्डे बन गए हैं, चतुरों के अड्डे बन गए, देख लो जाकर, हाँ बस हाँ ये हाल है, हाँ जी हाँ जी हाँ बोल रहे I'm
चलो उठो उठो शाबाश। चलो भाई धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये जो पीछे सगन खड़ी होगी है आप सब बैठ जाए, थोड़ी देर और प्रोग्राम चलेगा। थले, थले। ये प्रेमी है भंगड़े वाले, तो ये आपको भंगड़ा दिखाएंगे, इसलिए जो पीछे संगत खड़ी हो गई है वो सभी बैठ जाएं। और सिरसे वाला जो प्रोग्राम है सत्संग का 21 तारीख दिन में 9 से 11 बजे तक होगा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। सावन शादी जोत सुहानी, तन मस्ताना जी छाई, मैनेजर साहिब जी रुशनाई, अजे भी वेला जप ओ बंदिया रुतना सिमर दिया। ओ तन सावन शाह सतगुरु, तन सावन शाह सतगुरु, फुले हुए मुसाफरानू कसदा सतगुरु, हुए मुसाफरानू दसदा तेरा सतगुरु। तन सावन शाबा द्वार अनोखा है।
Thank you.
love it.